ये कुछ कपड़े हैं साहब लोगों के, शायद आप लोगों को आ जाएंगे। धन्यवाद। वहाँ गेस्ट रूम है, आप लोग वहाँ रह सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलो। कमाल है, यहाँ तो लाइट ही नहीं है, अब क्या करें? अगर मोमबत्ती बड़ी है तो यहाँ पे माचिस तो होना ही चाहिए। कपड़ा कैसे चेंज करें है? अच्छा पूर्वी, हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके कपड़ा चेंज कर ले तो? हमारा मतलब वो रस्सी पड़ी है ना, वो सामने वो देखो, अगर उसको ऐसे ही बीच में बांध के पर्दा वर्दा इसी लटका के उसके पीछे, इफ यू कंफर्टेबल है चलेगा। खिड़की बंद करो ना, अरे कपड़ा चेंज करने का कोई फायदा हुआ का? अरे भीग रही हो पूर्वी, अब क्या हुआ, दुखी कहीं लग रही हो? अरे पूर्वी हम कह रहे हैं खिड़की बंद कर दो, ठंड लग जाएगी। बात हुई का बोलो। तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं है, तुम समझ नहीं पाओगे। कहा समझ नहीं पाएंगे, बस नहीं समझ पाओगे। हमने पहले भी तुम्हें कहा था लेकिन तुमने हमारी बात नहीं सुनी। कहा था और कहा नहीं सुनी, यही
कि कब तक हम ऐसे छुपते रहेंगे, भागते रहेंगे, डर डर के रहेंगे। अर्जुन, अगर उन लोगों ने हमारी शादी मानी नहीं तो, अगर उनको लगा कि ये मजाक है, इसको ही बचपना है तो, अगर उन लोगों ने तुमको हमसे दूर कर दिया तो। हमें तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। कैसे भरोसा करें हम इस बात पर, कैसे यकीन करें जब हम खुद देख पा रहे हैं कि हमारे आसपास का हर इंसान सिर्फ यही चाहता है कि हम दोनों दूर हो जाएं। अब तो हमें ऐसा लगने लगा जैसे कि हमारी किस्मत में क्या किस्मत? हम कोनो किस्मत को नहीं मानते, हम सिर्फ प्यार को जानते हैं और प्यार को ही मानते हैं। कौन से प्यार की बात कर रहे हो? ये प्यार जो हमारे आसपास का एक इंसान नहीं समझता, कि हमारी शादी जो किसी ने नहीं देखी, शादी के बाद भी हम बस छुप रहे हैं, भाग रहे हैं, डर रहे हैं, जैसे कि न जाने हमने कौन सा गुनाह किया। अर्जुन, तुमने ही कहा था ना कि एक बार शादी हो जाए फिर हमें ये सब नहीं करना पड़ेगा, लेकिन देखो अब तो हमारी शादी भी हो गई। अर्जुन, हमें तो ऐसा लगता है जैसे कि हमने पता नहीं कौन सा मर्डर कर दिया हो। हम दोनों ने कुछ गलत तो नहीं किया है ना? अर्जुन, जब एक चीज अच्छी होती है हमें लगता है अब सब ठीक हो जाएगा, तो दूसरे ही पल कुछ ना कुछ खराब हो जाता है, फिर से हमें छुपना पड़ता है, भागना पड़ता है, सब गड़बड़ हो जाता है। हमें तो लगता है कि हमारे प्यार में एक पल का चैन, एक पल का सुकून नहीं है। ऐसे तो नहीं रह सकता है ना सब कुछ अर्जुन, ये प्यार व्यार सब बकवास है, बाहर में जाए प्यार, इस शादी का कोई मायना ही नहीं। क्या लगता है तुमको ये प्यार, ये शादी सब बकवास है? क्या लगता है तुमको हम खुश नहीं है? यही लगता है ना? तो एकदम सही लगता है तुमको, ये रिलेशनशिप का कुछ होने वाला तो है नहीं, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। और सबसे मजेदार बात ये है, ये बात हमारे लिए सबसे बढ़िया है, हमारा तो एकदम रास्ता साफ हो गया। अब ये मौके का हम फायदा उठाएंगे, अपने मन का प्यास बुझाएंगे, अपने दिल का इच्छा पूरा करेंगे। ये मौके का तलाश तो हम कब से कर रहे थे, सोचो, कहा कि एक कमरे में अकेले लड़के लड़की क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे ना एक साथ, कब से तुम्हारे पीछे पड़े होते। आज ये मौका आया है और ये मौके को हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, ये मौके का हम पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। हम तो सोच रहे थे कि तुमको पता नहीं चलेगा, लेकिन तुमको पता चल गया तो क्या हुआ, तुम तो हो ही एक चालू किस्म की लड़की, सब समझती हो। अब हम सिर्फ एंजॉय करेंगे, सिर्फ एंजॉय, अगर मजा आए तो ठीक, वरना टाइम पास। सही कहा था तुमने कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, हम कोनो प्यार व्यार नहीं करते तुमसे, आई बात समझ में? अरे प्यार तो होता है जो टीवी न्यूज पे आए, अखबारों में छपे, इतिहास में लिखा जाए, ताजमहल की तरह फेमस हो, जैसे फिल्म प्रोमो आता है ना, धड़ाधड़ चले। अरे प्यार तो होता है जो एकदम फेमस हो जाए, सारी दुनिया जान जाए, जो हम दोनों करते वो प्यार नहीं है, वो बकवास है, बकवास, जैसे कि तुम कह रही हो। अर्जुन, नहीं, वो हमारा वो मतलब नहीं था। क्या मतलब नहीं था? बिल्कुल सही कहा था तुमने, बिल्कुल सच। अरे किसी को कहा पता कि हम दोनों की शादी हुई, वो बात अलग है कि हम दोनों ने जीने मरने के साथ कस्में खाई हैं। तो वाह, थप्पा थोड़ी ना लगा कि हम दोनों की शादी हुई है, किसी ने देखा थोड़ी ना है। अरे शादी होने के लिए गवाह होना चाहिए, कौन था गवाह? कोई नहीं था, किसी ने नहीं देखा। वो बात अलग है कि हमने सारी सृष्टि को साक्षी मानकर शादी की है, अग्नि के साथ फेरे लिए, लेकिन कौन था, हम दोनों के अलावा था कौन? कोई नहीं, चांद, तारे, धरती, आसमां, कायनात ही था ना, इंसान कौन था? कोई नहीं था। शादी करने के लिए गवाह होने चाहिए, सारे लोग होने चाहिए, कोई नहीं था वहाँ पे। शादी की मान्यता के लिए एक महीना पहले कोर्ट में अर्जी दिया जाता है, अप्लाई किया जाता है, और उसके बाद पूरे रिश्तेदार को बताया जाता है, सबको इनवाइट किया जाता है, घर पे बुलाया जाता है, पार्टी दी जाती है, रिसेप्शन पार्टी, सबको खिलाया पिलाया जाता है, और सब खाने पीने के बाद सब लोग बोलते हैं हाँ शादी मानी गई है। वो शादी होती है जो हम दोनों के बीच है, वो शादी नहीं है, वो सिर्फ एक ड्रामा है, नाटक है, और कुछ नहीं है। और तो और स्टेटस डालना पड़ता है फेसबुक पे, फोटो अपलोड करनी पड़ती है हम शादीशुदा हैं, तब लोग मानते हैं कि हाँ ये शादीशुदा है। हम दोनों की शादी कहाँ है, क्या प्रूफ है? देखा किसी ने? नहीं देखा है, हम दोनों जानते हैं, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? बोलो क्या प्रूफ है, बोलो। एक शब्द नहीं, जो कुछ भी तुमने कहा बिल्कुल राइट कहा। अर्जुन, हम गलत हैं, हमसे गलती हो गई, वो इतना सब कुछ गलत हो रहा है कि हमारे दिमाग में ही कुछ नहीं आ रहा, सब कुछ उल्टा सीधा चल रहा है अर्जुन। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे लिए शादी बहुत मायने रखती है अर्जुन, शादी हमारे लिए सब कुछ है, तुम हमारे लिए सब कुछ हो, और ये सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हमने अग्नि के चारों ओर फेरे लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि हम दिल से तुम्हें अपना पति मान चुके हैं अर्जुन। हमारे दिल में, हमारी हमारी जिंदगी में सिर्फ तुम हो, तुम्हारे अलावा हम किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते अर्जुन। और हमने तुमसे इसलिए शादी की है क्योंकि हम अपना हर पल हर लम्हा, जब तक हम मर नहीं चाहते तब तक सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहते हैं अर्जुन। हमें किसी इंसान को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे लिए सिर्फ तुम मायने रखते हो अर्जुन, सिर्फ तुम हो। हम चाहते कि हम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताएं अर्जुन। हमारी बात सुन रहे हो ना तुम, हमने गलती से ये सब कह दिया अर्जुन, तुम्हारे अलावा हमारे लिए और कोई मायने नहीं रखता।
अर्जुन, हमारी जिंदगी बनने के लिए और हमें अच्छा इंसान बनाने के लिए थैंक यू पूर्वी। हमारी आंखों में सपने तुम्हारे, दिल में धड़कन तुम्हारी है, सांसों में खुशबू तुम्हारी है, ख्यालों में ख्वाबों में बस तुम हो, सिर्फ तुम पूर्वी। तुम्हारे बाद हमारी जिंदगी में कोई नहीं आएगा पूर्वी। हमारी जिंदगी सिर्फ तुमसे शुरू होती और तुम पे खत्म। तुम नहीं तो हम नहीं। आई लव यू पूर्वी। अर्जुन, अर्जुन सुबह सुबह कहाँ चला गया? अर्जुन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अर्जुन, तुम्हें पता है तुम इस दुनिया के बेस्ट पति हो। हमारी आज की सुबह हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते, हमारी बेस्ट मॉर्निंग है। थैंक यू। अरे अभी तो सूरज निकला है, धीरे धीरे देखती जाओ, अभी तो लालिमा फैलेगी। कहाँ गए थे, इतनी मिट्टी लगी शर्ट पर। सरप्राइज है तुम्हारे लिए। क्या? ये तुम्हारे लिए, काहे कि हमारे प्यार की खातिर। हमारे लिए? अरे हमारा शादी हो चुका है और शादी का कोनो गिफ्ट तो हमने दिया नहीं तुमको, तो इसलिए सोचे क्यों ना हमारी फूल जैसी वाइब के लिए ये सात रंग के फूल ले जाएं, कैसे लगे? अच्छे है ना? बहुत बहुत अच्छे हैं। हम जानते हैं कि तुम हमसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन इतने रोमांटिक हो सकते हो ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये फूल ही तो दिया है, कौन सा डायमंड दिया है? अर्जुन प्लीज शट अप। ये फूल दुनिया के किसी भी डायमंड से बहुत ज्यादा कीमती है। इसका हमारी जिंदगी में क्या मायना है ये हम ही जानते हैं। इन फूलों की तरह हम भी अपने प्यार की खुशबू को जन्म जन्म तक बिखेरते रहेंगे और हर जन्म में तुम्हारा जिंदगी इन फूलों से, इन खुशियों से और प्यार के रंगों से भर देंगे। हेलो, इतना रोमांटिक मौसम में ये वर्षा का है? पूर्वी, आई हेट यू। अच्छी लगती है ऐसे हंसती रहे। तुम नहीं समझोगे, खुशी के आंसू हैं। अच्छा जाओ, चलो तुम जाकर नहा लो, जा। का? अरे काहे इतना रोमांटिक मौसम को पानी के साथ धो रही हो? जाओ, जाओ। ठीक है जाते हैं। ओके बाय बाय। हमरा पहला आखरी प्यार तो दिल तुझे दिया है। पूर्वी, अरे पूर्वी हमरा कपड़ा तो दो। अरे टावल में खड़े हैं हम। हाँ एक मिनट। अरे लाओ ना फटाक से, वो कहा के
ठंडी लग रही है, रोज रोज नहाने का आदत नहीं हमको। ले आए हम। कहाँ ले आए हम? अरे इधर आओ ना, पास आके दो। ये लो। हाँ एक मिनट। लो। हाँ एक सेकेंड। अर्जुन, अर्जुन क्या कर रहे हो? जाने दो हमें यहाँ। कहाँ? अर्जुन, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें। हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी ना था मैं। ये क्या बोल? आप कब से हैं? अरे हम तो अर्जुन हैं। अर्जुन, हाँ ठीक है, जो भी है, प्लीज हमें जाने दीजिए। आप तैयार हो जाइए। हम तैयार नहीं होंगे। फिल्मों में देखते थे कि हीरो और हीरोइन दोनों बारिश में भीगते हैं, गाना गाते हैं, फुल ऑन टुल रोमांस करते हैं। बारिश तो कल भी हुई थी, हम भीगे भी थे, लेकिन सीन रोमांटिक नहीं था, भागने वाला था। तो क्या हुआ? कल रोमांटिक सीन नहीं हुआ, आज तो हो ही सकता है। बारिश नहीं है तो शावर तो है, और वैसे भी पति हैं तुम्हारे, हक तो बनता ही है। अर्जुन तुम पागल हो गए हो। अरे ये देखो हमारी क्यूटी ब्यूटी भाई, कहाँ मिला हमको? अरे ये कहाँ से ले आए? एक बार रखा हुआ था। अरे खाना बनाते बनाते अगर ये गाने भी सुनेंगे ना, देखना और भी मजा आएगा खाने बनाने में। खाना बनाते बनाते तुम भी हमारी हेल्प करोगे क्या खाना बनाने में? तो का नहीं बना सकते का? अरे हम ऐसे वो क्या बोलते वो खड़ूस हसबेंड नहीं है जो बैठे बैठा है, वो जो हमको ई ला दो वो ला दो ऑर्डर चलाते हैं, हम वैसे नहीं है। हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? Something different। हाँ वैसे है। हे भगवान, तो बन गया नाश्ता। बात बताओ, तुम हमको का बुढ़बक समझते हो का? हैं? अरे ऐसा खाना बनाएंगे, ऐसा खाना बनाएंगे, ये जो उंगली है ना, ये नाखून भी खा जाओगी साथ में। हाँ ठीक है, ये लो, ये रहा आटा और ये रहा तवा, हमें पराठे खाने हैं। पराठे खाने हैं? तुम थोड़ा सिर्फ नाम बताओ कौन सा पराठा खाना है, बस बताओ, साइड हो जाओ, चलो। पेड़ा तो किया हुआ है ना? हम किसी का हेल्प नहीं लेते हैं, वो खुद बा खुद ही करते हैं। बनाते हैं ना, बनाते हैं। अर्जुन
ये पराठा बनाया तुमने? हाँ, क्या हुआ? अच्छा खासा तो है। इतनी देर में तो हम चार पराठे बना लेते। चलो हटो, हमें बनाने दो, हटो। अरे हमें पता है कि तुम बहुत अच्छे पराठे बना लेते हो, हम तो बस ये कह रहे हैं कि और भी बहुत डिफिकल्ट काम है ना करने को, वो जाके कर लो, पराठे हम बना लेते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, अगर तुम इतना फोर्स कर रही हो तो ठीक है, बना लो, तुम बना लो, बताओ और क्या काम करना है, बताओ। वो देखो प्याज वो काट लो। पूर्वी बेटा, हम तुम्हें कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं लग पा रहा है। जहां भी हो तुरंत आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी कंडीशन बेहद नाजुक है। उनको तुम्हारी जरूरत है पूर्वी, प्लीज जितनी जल्दी हो सके घर आ जाओ।